हेलो, वेलकम टू न्यू वीडियो। और इसमें मैं बताऊंगा कि हम लोग अपने जो सिस्टम है उसका इन्फॉर्मेशन कैसे ढूंढे, मतलब ये कैसे बहुत सारे लोग सेकंड हैंड ले लेते हैं और उन लोग को मालूम नहीं पड़ता कि वो लोग के सिस्टम में, मतलब जो पीसी है या लैपटॉप है, वो लोग में ग्राफिक कार्ड लगा है कि नहीं। और ग्राफिक कार्ड कभी ऐसा लिस्टेड रहता है ना, मतलब कोई समझो बेच रहा है और उसने बोल दिया कि इसमें ग्राफिक कार्ड रेडियन का लगा है, इसमें एनवीडिया का ग्राफिक कार्ड लगा है, तो हम लोग डिटेक्ट कैसे करें? तो सिंपल है, फर्स्ट बहुत सिंपल स्टेप्स है, आपको जाने का डिस्प्ले सेटिंग में, सॉरी डिवाइस मैनेजर। हाँ, डिवाइस मैनेजर में जाने के बाद डिस्प्ले अडाप्टर में जाने का, और यहाँ पे आप लोग को दिखेगा पूरा ये अभी मेरे इसमें डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड भी है, एक्सटर्नल ग्राफिक कार्ड RTX 3050, तो वो बता रहा है। किसी किसी में GTX रहेगा तो GTX 1650 रहेगा, जिसका TI वर्जन रहेगा तो GTX 1650 TI बताएगा। और यहाँ पे प्रोसेसर्स में प्रोसेसर कौन सा है वो मालूम पड़ेगा, जैसे अभी मेरा Ryzen 7 5800H है, यहाँ पे पूरा मालूम पड़ रहा है 5800H है। एक और स्टेप है, स्टेप टू, जिसमें हम लोग को कुछ नहीं करना, सिंपल है, विंडोज आर दबाना है, MS config 32 टाइप करना है और बस एंटर दबाना है। यहाँ पे सिस्टम समरी में पूरा आप लोग को इन्फॉर्मेशन आ जाएगा, यहाँ पे OS वर्जन कौन सा है, ऑपरेटिंग सिस्टम, OS मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम का मैन्युफैक्चरर कौन है, जैसे अभी मेरा लेनोवो है, किसी किसी का एसस रहता है, किसी का HP रहेगा तो बताएगा। अभी प्रोसेसर कौन सा है, मेरा Ryzen 7 5800H है विथ रेडियन ग्राफिक, किसी का अगर Intel i5 रहेगा तो यहाँ पे बताएगा Intel i5, फिर वो वर्जन कौन सा है, 12500H है कि 11500H है या UAP है, यहाँ पे सब बताएगा। और फिर विथ RX 80 ग्राफिक, यहाँ पे उसका मेगाहर्ट्ज कितना है और कोर्स एंड थ्रेड्स बताएगा। मेरा 8 Core 16 Thread का जो लॉजिकल प्रोसेसर रहता है और कुछ नहीं थ्रेड्स रहते हैं। फिर BIOS का वर्जन अपडेट, उसके बाद हमारे इसमें रैम कितना इंस्टॉल्ड है, जैसे इंस्टॉल्ड फिजिकल रैम 8 GB मेरे इसमें, टोटल फिजिकल मेमोरी 7.36 GB अवेलेबल। अब इसको एनेबल कैसे करने को हमने प्रीवियस वीडियो में बताया, तो जिसने नहीं देखा ये वीडियो के बाद जाके देख लेना। फिर अपने अगर आप लोग को वो देखने के ग्राफिक कार्ड कौन सा है, अभी तो इसमें हम लोग को ग्राफिक कार्ड का उतना मालूम नहीं पड़ रहा, फर्स्ट स्टेप में मालूम पड़ गया, इसमें नहीं मालूम पड़ रहा। सिंपल है, हम लोग को कंपोनेंट कंपोनेंट्स के ऊपर क्लिक करने का है, उसके बाद हम लोग को डिस्प्ले में जाने का है। डिस्प्ले में जाने का हम लोग को यहाँ पे पूरा इंफॉर्मेशन दिखेगा, नीचे नीचे जैसे जाओगे वैसे ही। मेरे इसमें कौन सा RTX 3050 लगा हुआ है, तो यहाँ पर वो बता रहा है कि RTX 3050 का GPU है इसमें, एनवीडिया कंपेटेबल। हाँ, तो देखो ऊपर कैसा, भी मेरे इसमें रेडियन थी, मतलब जो रेडियन ग्राफिक कार्ड है इंटीग्रेटेड प्रोसेसर के साथ जो चिपका हुआ मिलता है, मैं वो उससे भी आउटपुट ले सकता हूँ, और इससे से अपना जो डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड है RTX मेरा, उससे भी ले सकता हूँ। अभी फिर हम लोग अपना जो SSD लगाया है, HDD लगाया है, जो यहाँ पे हम लोग का सब कुछ स्टोर होगा, उसका इनको निकालना है। तो हम लोग को स्टोरेज के ऑप्शन के ऊपर आके क्लिक करना है, डिस्क के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पे दिखेगा टोटल साइज कितना है, 476। यहाँ पे मॉडल कौन सा, सैमसंग का लगा है। अभी हम लोग को मालूम करने का कि हम लोग का जो साउंड ड्राइवर्स है, जो साउंड डिवाइस है, वो कौन सा है। अभी मेरे इसमें जो पहले से प्री इंस्टॉल्ड है वो नैमिक ईजी साउंड, मतलब मेरा जो स्पीकर है वो नैमिक की तरफ से है, किसी किसी का हारमन गार्डन की तरफ से होता है, किसी का अलग अलग कंपनी के ऊपर होता है, फेमस में हारमन गार्डन है, तो कौन सा। अभी कोई बोलेगा हारमन गार्डन की तरफ से सर्टिफाइड है मेरा स्पीकर, तो उसको जाने कैसे, तो सिंपल है, हम लोग को कॉम्पोनेंट्स में आके मल्टीमीडिया में क्लिक करने का, और जहाँ पे हम लोग ने डिस्प्ले का देखा ना उसके ऊपर ही साउंड डिवाइस है, तो साउंड डिवाइस हम लोग कैसे पहचाने उधर ही मालूम पड़ जाता है। तो अभी हम लोग ने पूरा ऊपर ऊपरी बातचीत देख ली, बट हम लोग को अभी जानने का कि हमारा जो सिस्टम है वो कौन सा वाईफाई वर्जन सपोर्ट करता है। वाईफाई में भी अलग अलग आता है, Wi-Fi 5E, 6 है, 6E है, तो हम लोग वो कैसे जाने, सिंपल है, सेटिंग्स में जाने का, वाईफाई ओपन करने का। हम लोग जैसे ही वाईफाई सेटिंग में जाएंगे, हम लोग को यहाँ पे हार्डवेयर प्रॉपर्टीज दिखेगा, मैनेज एंड मैनेज के ऊपर क्लिक करने का, और डिस्क्रिप्शन जो है ना, डिस्क्रिप्शन देखो कौन सा, MediaTek Wi-Fi 6, मतलब ये जो मेरा Wi-Fi 6 टेक्नोलॉजी के साथ है। उसके बाद जब हम लोग को जानने का है कि हम लोग का जो डिस्प्ले है वो किसके साथ कनेक्टेड है, मतलब हमारा जो डिस्प्ले है वो कितने हर्ट्स का है, जैसे कोई बोलता है मेरा 144 है, कोई 60 बोलता है, तो वो कैसे जानने का, सिंपल है, जैसे सेटिंग्स ओपन करोगे जो होम स्क्रीन रहता है अपना, इसमें डिस्प्ले में जाने का, नीचे स्क्रॉल करने का एडवांस डिस्प्ले सेटिंग रहेगा, उसमें क्लिक करने का, यहाँ पे देखो अभी मेरा इंटरनल डिस्प्ले,
इसके साथ कनेक्टेड है रेडियन टीम ग्राफिक, मतलब ये मेरा इंटरनल जो ग्राफिक कार्ड है ना रेडियन का, उसके साथ कनेक्टेड है। किसी किसी केस में हम लोग स्विच कर सकते हैं, मग स्विच किया इससे। इसका यहाँ पे हम लोग को कितना 120 Hz है, किसी किसी का चेंज होता है, किसी किसी का नहीं। मेरे केस में डिस्प्ले का हम लोग ये चेंज नहीं कर सकते। अगर ये चेंज करने का तो मेरे को AMD का एड्रेलिन एडिशन करके सॉफ्टवेयर है उसमें जाना पड़ेगा। वो वीडियो में अगले नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि वो कैसा काम करता है AMD का एड्रेलिन एडिशन, बट इतना कुछ टफ नहीं है वो, एकदम सिंपल टू अंडरस्टैंड है। अब यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे डिस्प्ले का पूरा यहाँ पे सेटिंग दिखा। अब डिस्प्ले वन इंटरनल डिस्प्ले, अगर यहाँ पे आप लोग एक और डिस्प्ले लगाओगे HDMI या टाइप सी से जिसका डिस्प्ले आउटपुट सपोर्ट करता है, यहाँ पे डिस्प्ले 2 और 3 करके दिखेगा जैसे जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे। वहाँ पे कौन सा ग्राफिक कार्ड के साथ कनेक्टेड है, यहाँ पे जैसे अभी मेरा इंटरनल डिस्प्ले दिख रहा है ना, वैसे यहाँ पे बाकी के डिस्प्ले भी दिखेंगे। तो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अभी जो भी क्वेरी है, जो भी पूछने का, आप लोग कमेंट में पूछो, और हो सके तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। आपको क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा, कुछ सजेशन, कुछ क्वेरी कमेंट करो। न्यू हो तो सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए गुड बाय।